जो है भाई बात करेगा बगवाल। ठीक है जी हाँ गाइस, जैसा आप सब जानते हैं कि सारे का महमूदपुरी पर जो है गनवा तो आया है खेसारी लाल यादव जी का हसीना, लेकिन हसीना के बारे में बात होगा, साथ साथ बात होगा कि लॉलीपॉप नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, गलती से बोला जाता है। पुदीना है हसीना। ठीक है, ये गाना जो है इसमें अनुपमा यादव पार्ट वन में गाई थी, और पार्ट टू में आखिर अनुपमा यादव क्यों नहीं है, इस विचार बारे में बात करने वाले वीडियो को अंतिम में देख सकते हैं। और आप जो फैन किसके हैं, चाहते किसके हैं, कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट बताना मत भूलिएगा। तो देखिए भैया बात ऐसे आएगी, पहले बात कर ले हसीना के बारे में कि हसीना का गाना देखिए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, चाहे लगे तीत चाहे मीठ। ठीक है, हसीना गाना हमने जब टीजर देखा था तो हमको लगा था कुछ बवाल कंटेंट होगा, भयंकर कंटेंट होगा, लेकिन जो दर्शक क्या बोल रहे हैं भैया ये क्या कर दिए हैं खेसारी लाल यादव भैया, ये जो कर दिए हैं कि जो गनवा नहीं था पहले वाला श्री राम जी वाला, जी हाँ उनका धुन पर जो है जोड़ दिए और हसीना गाना बना दिए हैं। तो अभी तक जो है आपको ये गाना फिर भी कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कौन बताइए। और जो है भोजपुरी में हम हमेशा बात करते हैं कुछ नया चीज़ चाहिए तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है ना। और जो है अब बात कर ले पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कि आखिर जो है ये क्यों आखिर पुदीना या हसीना जो है 3 बिलियन व्यूज गया है तो सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के दम पे गया है क्या? ठीक है गया होगा, अच्छा बात है, लेकिन आखिर अनुपमा यादव को क्यों निकाल दिया गया है? क्यों अनुपमा यादव जो है या शिल्पी राज, देखिए शिल्पी राज बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन अनुपमा यादव को जो है अपने पुदीना हसीना गाने से निकालना सही है या गलती, आपको क्या लगता है? कि अनुपमा यादव अगर पुदीना हसीना में रहती टू में तो पुदीना हसीना गाना फ्लॉप हो जाता क्या भैया? आप कौन से खोड़ के बताइए, और नहीं रहती तो क्या हो जाएगा? आपका राय क्या इस बारे में, क्या सोचते हैं कि आखिर पवन सिंह ने जानबूझ के अनुपमा यादव को निकाला है, और निकाला है तो क्यों निकाला है, या फिर यूं ही ऐसे ही बस निकाल दिया है भैया? क्या सोचते हैं बताइए भाई, मिलते रहेगा अगली बार। जय हिंद, नमस्कार।